अच्छा बताओ बच्चों कि दुनिया में सबसे पहले किसकी कब्र बनाई गई थी? बताओ बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है? अच्छा मैं ही बता देता हूँ आपको, इसका आंसर है हाबील की। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि सूरत फातिहा सबसे पहले कुरान मजीद में क्यों रखी गई? मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा। चलो बताओ बच्चों, मैं ही बता देता हूँ, इसलिए रखी गई क्योंकि इंसान के मुंह से निकलने वाला सबसे पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह ही था। अच्छा मेरा आपसे अगला सवाल है बच्चों कि सूरत फतह को लेकर कितने फरिश्ते नाजर हुए? चलो बताओ बच्चों, 80,000। गुड बच्चों, बहुत अच्छा आंसर है। मेरा अगला सवाल है बच्चों कि अल्लाह पाक ने पानी को किस दिन पैदा किया था? इसका जवाब है बच्चों, पानी को अल्लाह पाक ने बुध वाले दिन पैदा फरमाया था। अगला सवाल है मेरा आपसे कि कौन सी चीज़ हलाल अल्लाह को नापसंद है? चलो बताओ बच्चों, तलाक। गुड। बताओ बच्चों, वो कौन सी सूरत है जो दो बार नाजल हुई? किसी को पता है? सूरत बकरा। गुड। अच्छा बच्चों, अब बताओ कि वो कौन सा परिंदा है जो जमीन के नीचे भी देख सकता है? हुदहुद। गुड। अच्छा बच्चों, मेरा अगला सवाल है कि कौन सी नमाज कज़ा पढ़ने मना इकरार दी गई है? हाँ बच्चों बताओ, नमाज जुम्मा। अच्छा मेरा आपसे अगला सवाल है, वुजू का हुक्म कुरान मजीद में किस सन में किया गया था? सन 5 हिजरी में वुजू का जिक्र किया गया था। अच्छा मेरा आपसे अगला सवाल है, किस जानवर का जूठा पानी पाक है? बकरी, गाय, घोड़ा। चलो बच्चों, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? चलो बच्चों, आंसर में नमाज मगरब की। गुड। सबसे पहले कौन सा जानवर पैदा किया गया? मछली। गॉड। इसी तरह की और भी इस्लामिक वीडियो एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस फॉर किड्स गेट करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस।